हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम पॉइंट जॉब समय। दोस्तों, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दिल्ली ने अलग अलग ट्रेड के इंजीनियर्स के लिए अलग अलग पदों पर नियुक्तियां मांगी हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या है ये पोस्ट और किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एनटीपीसी दिल्ली इंजीनियरिंग पदों के लिए ये भर्ती करने जा रहा है। एनटीपीसी दिल्ली ने थर्मल पावर प्लांट के शिफ्ट ऑपरेशन के लिए E2 ग्रेड पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन विषयों में अनुभवी इंजीनियरों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो इसी के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे फ्रेंड्स कि आप हमारे चैनल को एग्जाम पॉइंट जॉब्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की जो जॉब से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन है या कोई भी जॉब जो निकलती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और साथ ही साथ दोस्तों इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं इस पोस्ट की इम्पोर्टेंट तिथि के बारे में, यानी कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। और दोस्तों हम इसमें यह भी जानेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है। मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर सारी चीज़ें बताऊंगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है या डेट है वो दोस्तों 6 अगस्त से शुरू हो चुकी है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 26 अगस्त 2019। टोटल पोस्ट जो है दोस्तों वो 203 है। इसमें विद्युत के लिए 75 और मैकेनिकल के लिए 76, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 26 और यंत्र के लिए 26, इस तरीके से पोस्ट का विवरण दिया गया है। ये यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर भी आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं कि अलग अलग ट्रेड या ब्रांच के लिए जो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए हैं वो किस तरीके से पोस्ट हैं, जर्नल में कितनी है। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मैं अभी दोस्तों इस वेबसाइट पर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि अप्लाई कैसे करना है। नोटिफिकेशन के बारे में भी सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक छोटा सा सवाल आपके लिए है जो आपको नीचे कमेंट करके जिसका आंसर देना है। क्या आप जानते हैं दोस्तों आजकल जैसे कश्मीर के मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो वहाँ पर ये जनरल नॉलेज का एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी हाल ही में कश्मीर से कौन सी धारा हटाई गई है। धारा 350, धारा 370, 35A या 302। इसमें से जो भी दोस्तों करेक्ट आंसर आपको लगता हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम इन्होंने 60% मार्क्स मांगे हैं। किस में? जो बीटेक में, यानी कि जिस भी ट्रेड से आपने किया है। 4 अलग अलग ट्रेड पर यहाँ पर वैकेंसी 5 अलग अलग ट्रेड पर निकली हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें 60% मार्क्स आपके बीटेक में होने चाहिए। प्रासंगिक क्षेत्र में कार्यकारी और या पर्यवेक्षी संग्रह में न्यूनतम 3 वर्ष की योग्यता का अनुभव मांगा गया है। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों और इसके बारे में अगर देखें तो इसमें एज लिमिट कितनी कितनी बताई गई है। इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो बताई गई है 18 साल से लेकर 30 वर्ष के बीच में। 30 वर्ष से अधिकतम आयु वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो इसमें वेतन है दोस्तों, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, तो वेतन आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये तक इसमें वेतन है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। अगर इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो यहाँ पर ये मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप इसका आवेदन करते हैं तो जनरल EWS और OBC के लिए 300 रुपये इसकी फ़ीस है, अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की हम बात करें। और इसके साथ साथ SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों इसकी ऑनलाइन आवेदन की, तो नीचे सारे लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हम देखते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। अगर आपने NTPC पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्लिक करें रजिस्ट्रेशन टैब पर, और उसके बाद में आपको लेकर आएगा दोस्तों ये यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद में लॉगिन का प्रोसेस यहाँ पर है। लॉगिन करने के बाद में सीधा आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। इसका सारा लिंक मैं दोस्तों नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप इसके बारे में संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया गया है, शॉर्ट डिटेल इस पोस्ट के बारे में, इसको भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पॉइंट जॉब्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।